वेलकम फ्रेंड, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक 2020 में जो एक क्वेश्चन आते हैं परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या निकालने के लिए, जो जिससे एक क्वेश्चन हमारा फिक्स बन जाता है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार कर दूं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको आज क्वेश्चन बताऊंगा, इससे 2020 में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या है। यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 एएमयू है, एएमयू मींस एटॉमिक मास यूनिट है, 5.585 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी। देखिए, लोहे का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि 5.585 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी। ये जो इतना ग्राम लोहा है 5.585, इस इतने ग्राम लोहे में कितना परमाणु होगा। तो जब भी देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन रखा हुआ है, पॉलिटेक्निक का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन रखा हुआ है इस तरह का 2020 में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या पूछता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मोल संख्या निकालेंगे। देखिए, मोल संख्या निकालेंगे तो मोल संख्या क्या होता है। देखिए, मोल संख्या होता है स्मॉल m बाय कैपिटल m, और यहाँ पे स्मॉल m क्या है, तो दिया गया द्रव्यमान होता है, और m क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, इसको हम लोग मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। जो हमारा जिसका पूछेगा कि इतना ग्राम लोहे में या फिर इतना ग्राम कॉपर में, जो भी हमसे क्वेश्चन में दिया रहता है द्रव्यमान, जितना ग्राम में दिया रहेगा उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे, और जिस धातु का दिया रहेगा उसका मोलर द्रव्यमान हम लोग नीचे लिखेंगे, जिस अणु का दिया रहेगा उसका उसका आणविक द्रव्यमान नीचे लिखते हैं। तो देखिए, मोल संख्या, ये तो मोल संख्या निकलेगा, मोल संख्या से आपका परमाणुओं की संख्या नहीं निकल जाएगा। कभी परमाणुओं की संख्या पूछ देता है, कभी अणुओं की संख्या पूछता है। तो परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको अवोगाड्रो नंबर से गुना करना होगा, यानी एनए से आपको गुना करना होगा। और एनए क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है, और एनए का वैल्यू कितना होता है तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू भी कई बार पूछ लिया जाता है इस एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻²। इसका वैल्यू इतना होता है, 6.022 × 10⁻²³ मोल के बराबर होता है। तो ये वैल्यू होता है अवोगाड्रो नंबर का। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मोल संख्या पहले हम लोगों को निकालना होगा, और अगर मोल संख्या को अगर अवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा परमाणु की संख्या या फिर अणुओं की संख्या। तो देखिए, तो हम लोग को निकालना है परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या यहां पे एक बार लिख लेते हैं, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या, तो मैंने बोला कि जो दिया हुआ द्रव्यमान रहता है उसको लिखते हैं ऊपर में। तो देखिए, कितना दिया हुआ यहां पर द्रव्यमान है, 5.585 ये दिया हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऊपर में जो दिया हुआ द्रव्यमान रहता है उसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, और नीचे उसके मोलर द्रव्यमान को लिखते हैं, मोलर द्रव्यमान को। तो देखिए, m को लिखेंगे, तो यहाँ पे किसका बोला है, इसका यहाँ पे लोहा का बोला है, तो लोहा का परमाणु द्रव्यमान को हम लोग नीचे लिख देंगे। तो देखिए, लोहा का यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, लोहे का परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ क्वेश्चन में ही कितना लिखा है, 55.85। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 55.85, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये तो हमारा ये मोल संख्या निकल जाएगा, अगर हम लोगों को परमाणु की संख्या चाहिए तो इसको अवोगाड्रो नंबर से गुना करना होगा, और अवोगाड्रो नंबर मींस एनए, और एनए का वैल्यू मैंने आपको कितना बताया, 6.022 × 10⁻²। तो यहां से देखिए, इसको जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन इसका किस प्रकार से होगा। देखिए, ऊपर में ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000, और नीचे वाला जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 100। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है ये दो नंबर के बाद है, इसलिए ऊपर में 100 हो रहा है, और ऊपर वाला पॉइंट को जब हम लोग हटा रहे हैं तो नीचे 1000 हो रहा है, क्योंकि ये तीन संख्या के बाद ये पॉइंट है। तो देखिए, यहां से ये यहाँ पे देखिए, अब ऊपर में 5585 और यहाँ भी है 5585, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और यहाँ देखिए ये 100 है और यहाँ भी ये 100 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा,
और ये 10 इस 10 के पावर 23 से कटेगा, तो एक 10 यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा 10 के पावर 22। तो यहां से कुल मिला के आंसर कितना आएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, इतना क्या हो जाएगा परमाणु की संख्या। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसका। तो आपको यहां से कुछ अगर सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।